सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज GDS पे कमेटी रिपोर्ट की ताज़ा स्थिति के बारे में ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी श्री SS महादेवैया ने एक ऑफिशियल नोट जारी किया है और उनके अनुसार GDS पे कमेटी रिपोर्ट लागू होने में कुछ और समय लग सकता है, क्योंकि GDS पे कमेटी रिपोर्ट की फाइल अभी प्रधानमंत्री कार्यालय में विचाराधीन है और उसके जो कुछ मुद्दे हैं उन पर अभी विचार करना बाकी है और प्रधानमंत्री कार्यालय की मंजूरी मिलने के बाद में ही यह रिपोर्ट कैबिनेट में भेजी जाएगी और इसके लिए इस जो महीना है फरवरी का उसके दूसरे एवं तीसरे सप्ताह में ही इस पर कुछ प्रगति हो सकती है। इसलिए GDS कर्मचारियों को इस महीने और इंतजार करना होगा। हालांकि कुछ मीडिया में ये खबर आई थी कि इस महीने में या अभी जो कैबिनेट मीटिंग हो रही है इसमें GDS पे कमेटी को अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ है और एक बार फिर से GDS जो कर्मचारी हैं उनको और इंतजार करना पड़ेगा और इन्होंने बताया कि इस महीने के अंत तक यानी फरवरी का महीना और लग जाएगा GDS पे कमेटी रिपोर्ट को अप्रूवल मिलने में। तो दोस्तों, GDS कर्मचारी और वो चाहे सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा खबर के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल का आइकन दिया गया उसको आप प्रेस कर दीजिए जिससे नया वीडियो आप तुरंत देख पाएंगे। धन्यवाद।